नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 का सवाल है क्वेश्चन सेज द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेर इज विद टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी ए टू पावर बीटा टी वेर ए बी एल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट सवाल है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल पहला है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा ड्रॉप टू जीरो वन अल्फा इज इक्वल टू बीटा ऑप्शन नंबर सी ए गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम ऑप्शन नंबर डी ए गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम अगेन बेसिक्स पे जाएगा सवाल मुश्किल कतई नहीं है अपने को डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे दे रखा है कि एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी ई टू पावर प्लस बीटा टी ये आपका डिस्प्लेसमेंट है हमें कमेंट करना है वेलोसिटी के बारे में तो वेलोसिटी आएगी आ, आपकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का आपका कंपोनेंट आ जाएगा इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू दी पावर बीटा टी नाउ ये हम पहले भी बात कर चुके हैं थ्योरी में कि आपका ई टू दी पावर अल्फा माइनस अल्फा टी बीटा टी ये डेट है इसको कितना डिफ्रेंशिएट करो इंटीग्रेट करो ये वो की वही वैल्यू रहती है ना इसके इसमें अगर देखेंगे तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्योंकि आपका बी का वो है फंक्शन तो ये आपकी वेलोसिटी ये आपका एक्सपोनेंशियली इट विल कीप ऑन राइजिंग ये आपकी वेलोसिटी हर वगत बढ़ती रहेगी बिकॉज ई टू दी पावर प्लस बीटा टी जो है ये आपकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करता रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर यहाँ पे गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू कम हो रही है ये वैल्यू आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होएगी लेकिन ये वाली वैल्यू क्योंकि एक्सपोनेंशियली राइज करेगी बहुत सारा इन दोनों का एडिशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अगेन यहाँ पे ये वैल्यू आपकी अल्फ़ा बीटा और इनकी ए बी की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा बट आउट ऑफ द फोर ऑप्शन हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर